नमस्कार, मैं बलजी ढाका पिनेकल कोचिंग सेंटर से आप सभी का स्वागत करता हूं। और अभी हम करते हैं ट्रिक ऑफ द डे मैथमेटिक्स में जो चल रही है सीरीज पार्ट 3। आज हम लेते हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट ट्रिक है या बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेते हैं। और ये मैथमेटिक्स में जो बड़े क्वेश्चन होते हैं, लंबे क्वेश्चन होते हैं, उसमें से माना गया है। ये अलजेब्रा से रिलेटेड क्वेश्चन है और अलजेब्रा में वो क्वेश्चन जिसमें कि यहाँ पर रूट आ जाए, रूट वाली फॉर्मेट में हो, वो क्वेश्चन सबसे लंबे हो सकते हैं। उस तरह के क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना चाहिए, इसकी हम लोग ऑब्जर्वेशन करते हैं, उसकी जानकारी लेते हैं कि क्या ट्रिक इसमें लग सकती है, नहीं लग सकती है। अगर लग सकती है तो इसको कैसे, इसको हमें ट्रिक लगानी चाहिए और कब हमें कॉन्सेप्ट के साथ में इसका यूज़ करना चाहिए। देखो, इस ट्रिक को समझने से पहले आप पहले इस क्वेश्चन को खुद कीजिए, वीडियो पॉज कीजिए और उसके बाद खुद को इस क्वेश्चन को कीजिए, जिससे कि यह समझ में आ जाए कि कहाँ पे इस क्वेश्चन में दिक्कत आती है या ये लंबा इतना क्यों खींच सकता है क्वेश्चन। और अगर आप फर्स्ट टाइम कर रहे हैं या एसएससी की तैयारी आपने अभी भी स्टार्ट की है और अलजेब्रा की कुछ बेसिक सी चीज़ें की है या दो तीन एग्जाम की इकट्ठी तैयारी कर रहे हैं जैसे बैंक एसएससी की, तो आपको डेफिनेटली इस तरह क्वेश्चन में दिक्कत आएगी। तो वो दिक्कत कम से कम आए, क्या एक्सपीरियंस के आधार पे, 10 साल से ज़्यादा के एक्सपीरियंस के आधार पे मुझे यह लगता है कि आपको जो अभी मैं टेक्निक बताऊंगा, अगर वो इस्तेमाल करते हैं तो कुछ हद तक आपकी प्रॉब्लम इसमें कम हो सकती है। हम यहाँ पे दो टाइप की चीज़ें करेंगे, एक तो हम करेंगे कॉन्सेप्चुअल से रिलेटेड और दूसरा करेंगे प्रैक्टिकल से रिलेटेड, दो चीज़ें करेंगे। तो पहले हम देखते हैं ट्रिक्स के माध्यम से। देखो, रूट थ्री कितना होता है, रूट थ्री होता है 1.732, और 1.732 को अगर मैं दो से डिवाइड कर दूँ तो कितना आ जाएगा, अप्रोक्सीमेट आ जाएगा 0.86, अप्रोक्सीमेट 0.86 या 87 के आसपास आ जाएगा। जो इस ट्रिक को हम नाम देंगे अप्रोक्सीमेशन ट्रिक, अप्रोक्सीमेशन ट्रिक, हम इसमें अप्रोक्सीमेशन का सहारा लेंगे। मैथमेटिक्स में कई जगह आप अप्रोक्सीमेशन का सहारा लेकर चीज़ों को आसान बना सकते हैं। अब देखो, अगर एक्स की वैल्यू 0.86 है तो 1 प्लस 0.86 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1.86। और अगर इसका रूट निकालें तो कितना हो जाएगा रूट, इसका मैं रूट निकालूं तो इसका रूट हो जाएगा लगभग ये 4 के आसपास जाएगा, 1.4 इसका हो जाएगा। तो आपको दो तीन चीज़ें याद ही रखनी होती है इस तरह क्वेश्चन में कि ये 1.4 बनता है, ये 0.86 होता है। और वैसे भी आप बहुत जल्दी इसको कर भी सकते हैं, अगर आपको एक्सपीरियंस नहीं है तो कर भी सकते हैं, वरना जब एक दो क्वेश्चन करेंगे ये रूट वाले जिसमें एक्स का इस्तेमाल किया हो रहा हो, तो आमतौर पर सभी में इस तरह की चीज़ें आपको दिक्कत आएगी। तो 1.4 ये है, प्लस 1 माइनस 0.86 तो कितना हुआ, 0.14, और 0.14 का कितना हुआ, ये हो जाएगा लगभग 416.4 के आसपास हो जाएगा, 0.4, और इसमें 1.4 और ये 0.4 या लगभग 4 से थोड़ा सा कम होता है। तो 3.7 भी कर सकते हैं आप, इस तरह की कर सकते हैं, लेकिन हमने ये 0.4 ही ले लिया। तो कितना हुआ, 1.8 हुआ, और नीचे कितना हुआ, लगभग 1 हुआ, क्योंकि ये थोड़ा सा ज़्यादा है। तो आंसर कितना हुआ, 1.8 के फॉर्मेट में चला जाएगा। देखो, 1.8 या सबसे नज़दीक कौन सा है, डी है, तो डी इसका आंसर हो जाएगा। हमने क्या किया कि जो बीजगणित के फॉर्म में था, ये अलजेब्राई फॉर्म में था, उस क्वेश्चन को हमने अंकगणित मतलब अर्थमेटिक के रूप में कन्वर्ट कर दिया, और फिर ये देखा कि ये सबसे नज़दीक क्या है, क्योंकि बाकी तो काफ़ी ज़्यादा दूर है, बाकी दो तो नेगेटिव में ये बिल्कुल नहीं हो सकते, तो ये एक से तो काफ़ी ज़्यादा बन रहा है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अगर आप ये ट्रिक का इस्तेमाल करते हैं इस वाली क्वेश्चन को, मेरा पूरा गारंटी के साथ बोल सकता हूँ कि आप बहुत अच्छी तरीके से कम टाइम में कर पाएंगे, इससे कम टाइम आपको लगेगा नहीं। अब आते हैं दूसरी मेथडोलॉजी के उसके ऊपर। अगर किसी को थोड़ा कॉन्सेप्चुअल पे जाना है, ये भी एक किस्म से कॉन्सेप्ट है, अगर आप पूरे मैथमेटिक्स में एसएससी की कमांड रखते हैं और एक्सपीरियंस है तो आपको लगेगा बहुत आसान है, लेकिन फिर भी क्या है कि हम लोग इसको दूसरे रूट से करने की कोशिश करते हैं। अब देखिए, यहां पर मैं रूट 3/2 लिख देता हूं, 1 प्लस रूट 3/2, तो ये क्या हो जाएगा, इसको मैं एलसीएम लूंगा, फिर 2 प्लस रूट 3 हो जाएगा। फिर क्या करूंगा मैं, इसको मैं 2 से ऊपर इसकी गुणा कर दूं और 2 से नीचे कर दूं, मल्टीप्लाई एंड डिवाइडेड बाय, तो क्या हो जाएगा, 4 प्लस 2 रूट 3 और नीचे आ जाएगा 4।
इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, 1/2 लिख सकता हूँ, और ये हो जाएगा √3 + 1 का स्क्वायर। इसको मैं कैंसिल कर दूंगा, √2 से √2 ये कैंसिल हो जाएगा क्योंकि 1/2 हो जाता है, तो क्या आ जाएगा ये 1/2 और √3 + 1। ऐसे यहां पे आ जाएगा 1/2 और √3 - 1। फिर उसके नीचे क्या आ जाएगा 1/√2 √3 + 1 और 1/2। अब देखो इसको आप कॉमन ले सकते थे, तो आप कॉमन लेकर कैंसिल कर सकते, तो मैं यहां पे ऐसे सीधा कैंसिल कर रहा हूं। आप क्या कर सकते हैं, 1/2 यहां पे कॉमन आ जाता, 1/2 यहां पे कॉमन आ जाता, तो कैंसिल कर सकते थे ऐसे करके, तो मैं यहां पे कर रहा हूं वो। और आगे सॉल्व करूंगा तो क्या हो जाएगा, √3 और √3 कितना हुआ, इसको आप कैंसिल कर सकते हैं, तो √2√3 आ जाएगा, √2√3। और नीचे क्या आ जाएगा, √3 + 1 और फिर हम -√3, तो √3 से √3 कैंसिल, और +1 और माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1 और 1 2 हो जाएगा, तो √2/2 कितना हो जाएगा, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, फिर आ जाएगा √3। अब देखो इसमें जो प्रॉब्लम आएगी आपको, अगर आप फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, तो क्या है कि ये जो मल्टीप्लाई किया डिवाइड किया, और मैं इस फॉर्मेट में लेकर गया हूँ 4 + 2√3 वाले में। देखो जब भी ये वाला वैरायटी आ जाए, ये वाले क्वेश्चन आ जाए, तो ये हमेशा इस फॉर्मेट में जाएगा। आप इस फॉर्मेट में बदलने की कोशिश कीजिए, क्योंकि ये अल्टीमेटली क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, √3 + 1 का स्क्वायर है ये। इसको मैं √3, देखो क्योंकि इसका ओपन करेंगे ब्रैकेट तो 3 + 1 और +2√3, तो 4 + 2√3 हो जाएगा। आपको हमेशा पता होना चाहिए अलजेब्रा में कि जब 4 + √3 आता है तो वो √3 + 1 का स्क्वायर के बराबर होता है। ये बहुत सारे क्वेश्चन में ऐसी चीज आएगी आपके सामने अलजेब्रा में, तो आप पहले ध्यान में रखिए कि अगर ये है तो इस फॉर्मेट में जाएगा ये, तो फिर आपका काम कहीं कहीं कॉन्सेप्चुअल में भी आसान हो जाएगा। अगर आपको ये पता नहीं चला, क्योंकि इसको ढूंढना कि 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे और फिर इस फॉर्मेट में जाएगा ये थोड़ा टाइम लग सकता है, तो हमने दूसरी जो टेक्निक की है उसको हम लोग बोलेंगे ऑब्जर्वेशन टेक्निक, क्योंकि इसमें हम ऑब्जर्व कर रहे हैं कि 2 से गुणा कर रहे हैं, 2 से भाग कर रहे हैं, वो किस फॉर्मेट में जाएगा। और पहली वाली क्या थी, अप्रोक्सीमेशन। इन दोनों में से अगर कोई यूज करनी हो तो मैं आपको बोलूंगा कि पहले वाले में बहुत जल्दी आपका निकालेगा, क्योंकि हमने अर्थमेटिक का क्वेश्चन बना दिया, और दूसरे वाले में क्या है कि आपको थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन आपको अगर वो चीज़ आती है तो और भी आपके साथ एक्सप्लोर अलजेब्रा को एक्सप्लोर करने के चांसेस हो जाएंगे। तो दोनों आप सीखिए, लेकिन यूज पहले वो पहले वाली टेक्निक का इस्तेमाल करने की कोशिश कीजिए। आंसर इसका अल्टीमेटली डी आएगा। आप इस क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश कीजिए, इसको वीडियो को पॉज कीजिए, फिर आप सोल्व कीजिए कहाँ पे दिक्कत आती है, और फिर दोबारा इस ट्रिक को देखिए कि कैसे ये इस ट्रिक इस्तेमाल की गई है। उम्मीद करता हूँ कि ये जो ट्रिक का कॉन्सेप्ट है, ट्रिक की जो सीरीज है, देखो आप इसको कॉन्सेप्चुअल से चीज़ें अलग रखिए, क्योंकि कॉन्सेप्ट बिल्ड करना एक अलग चीज होती है, कॉन्सेप्ट बिल्ड करने के बाद में आपको ट्रिक आनी चाहिए, और ये उन लोगों के लिए, उन स्टूडेंट्स के लिए ज़्यादा उपयोगी होगी जो ऑलरेडी बहुत कुछ जानते हैं मैथमेटिक्स में, तो उनके लिए और भी ज़्यादा होगी। स्टार्टिंग है तो उसकी लर्निंग एटीट्यूड होना चाहिए अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं तो। इस तरह से आप मैथ को ईजी कॉन्सेप्चुअल और ट्रिकी के मदद से ज़्यादा स्कोर करने की तरफ बढ़ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस प्रेजेंटेशन। ऑल द बेस्ट।